भारत में ऐसे कई जगह है जहां ऐसे शिवलिंग मौजूद है जिसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। इनमें से कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनके बारे में मान्यता है कि इनकी स्थापना खुद पांडवों ने की थी। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक शिवलिंग के बारे में। गंगेश्वर महादेव मंदिर दमन द्वीप से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग एक साथ स्थापित है। इसकी मान्यता है कि वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां इन शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंगों के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के प्रांगण में पूजा पाठ करते हैं। समुद्र तट के चट्टानों पर स्थापित ये शिवलिंग हर 2 सेकंड में समुद्र की लहरों से टकराते हैं और ऐसे में तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और इस मंदिर के 5 शिवलिंगों को समुद्र की लहरें अपने जल से अभिषेक करती हैं। इस मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत है कि जब भी कोई इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है तो उसे समुद्र की लहरों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब 5 पांडव अपने निर्वासन यानी वनवास में थे तो उसी दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। आगे ये भी कहा जाता है कि 5 पांडव यहाँ हर रोज भगवान शिव की पूजा करने आते थे। गंगेश्वर मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सावन के महीने में भी यहाँ लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में 5 शिवलिंग है, इसलिए ये मंदिर पंच शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को शिशोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नाम को लेकर ये भी मान्यता है कि गंगेश्वर भगवान शिव का एक नाम है जो गंगा माता को अपनी जटाओं पर धारण करने पर मिला था, इसलिए इस मंदिर को गंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की तो मूर्ति है ही, साथ में भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ इन देवताओं के लिए भी प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ के आध्यात्मिक परिवेश को देखकर भक्त मग्न हो जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी आपको, हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धम्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।